नमस्ते दोस्तों, आज हमारे पास एक कंप्यूटर बनने के लिए आया हुआ है। इसके अंदर कोर i3 सिक्स जनरेशन लगा हुआ है, 1 TB के हार्ड डिस्क है, 4 GB रैम लगा DDR3। इसको जब हम ऑन कर रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले नहीं आ रहा, मतलब मॉनिटर के अंदर डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो आज आपको प्रैक्टिकल कर दिखाएंगे और बताएंगे इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सके। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, पक्का कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और आपके काम आने वाला है। उसके बाद चैनल में पहली बार आए हुए हैं और इस तरह वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज लाल बटन वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। आ चुका हूं इंस्टाग्राम पर, मेरा आईडी है जोगेंद्र ज्ञान, मुझे फॉलो करिए। आपके मन में कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड कोई सवाल अगर है उसे पूछिए, मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, आपको कुछ नया सिखा के जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सीपीयू है कनेक्टेड कर दिया सब कुछ, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। कर दी यहाँ से मैं पावर स्विच दिया, उसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद में जो ये दिया हुआ है इसका स्विच यहाँ से ऑन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें पावर आ चुका है और लाइट ही जल रही, लेकिन इसमें आवाज़ आ रहा है कि SMPS चल रहा है। ठीक है, हम वेट करते हैं। यहाँ देखिए पावर चल रहा है इसके अंदर, प्रैक्टिकल ये फैन चल रहा है, ये फैन चल रहा है, दोनों फैन चल रहे हैं। उसके बाद भी सीपीयू के अंदर सीपीयू से डिस्प्ले आउटपुट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले चेक करते हैं तो कीबोर्ड में जो नंगला बटन होता है जलता बुझता है, ये जल बुझने रहा है। ध्यान दीजिए ये जल बुझने रहा है, इसका मतलब कि सीपीयू से इस पर आउटपुट नहीं जा रहा मॉनिटर के ऊपर, यानी कह रहा नो सिग्नल। तो पहला काम क्या करते हैं, हम रैम को निकाल के साफ कर लेते हैं। और बहुत सारे वीडियो में पहले बता रखा है कि ये प्रॉब्लम रैम से दिक्कत आता है, लेकिन क्या रैम से अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या दिक्कत हो सकता है। फिर मैं सबसे पहले दिखाता हूँ आपको, जो है यहाँ से बंद कर लेते हैं। देखिए यहाँ से बंद कर लिया हमने, और आपको मैं रैम को टाइट करके दिखाता हूँ कि क्या रैम को टाइट करने के बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, अगर नहीं होता फिर कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से कैबिनेट का जो ये साइड कवर इसको निकाल लेंगे हम। और ये बता दो इंटेल कोर i3 सिक्स जनरेशन है, मदरबोर्ड है ECS का 110। ठीक है, तो इसके अंदर जो है कोर i3 के तो डब्बे को मैं यहाँ रख लेता हूँ, और इसके अंदर जो रैम लगा हुआ है। ठीक है, रैम जो है रैम को निकाल लेता हूँ, और रैम मैंने निकाल लिया है। और बार बार मैं कहता हूँ आपको ये सब काम करें तो पैर के अंदर चप्पल जरूर पहन लीजिए, क्योंकि बॉडी में जमीन से अर्थ लेता हूँ करंट मारने की संभावना होती है। ठीक है, तो क्या करता है जो ये पॉइंट दिया हुआ है, अगर आपका रबड़ है जो बच्चे मिटाते हैं उससे करके सकते हैं, या तो इसको लेके आप इसको किसी कपड़े से साफ कर, मैं पैंट पर रगड़ लेता हूँ। ठीक है, और पैंट में रगड़ने के बाद में और आप इसको ऐसे करके साफ कर लीजिए। ठीक, दोबारा मैं रैम को लगा देता हूँ। बहुत बार मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि क्यों पूरा सीपीयू खुलवाते हैं आप, हैं ऐसे भी रैम को निकाल टाइट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो एक बार मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं दिखाऊँ एक बार कि मैं सिर्फ रैम को निकाल के टाइट करता हूँ और देखता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं सॉल्व होता है। ठीक है, तो उसको रैम को प्रॉब्लम बता दी हमने, और फिर अब यहाँ से इसको हम ऑन करते हैं। इसको ऑन करते हैं और देखिए फिर हमने इसको प्रेस कर दिया, देखिए फैन चल गया, सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे भी वो डिस्प्ले नहीं आया, मॉनिटर में लिख क्या रहा है, देखिए कुछ नंबर बटन नहीं है, मतलब रैम ढीला नहीं है। ठीक है, फैन चल रहा है, SMPS काम कर रहा है, मदरबोर्ड भी काम कर रहा है, हार्ड डिस्क का काम बाद में आता है, तो अभी नो सिग्नल लिख कर आ रहा है। इसको कैसे सही करें, चलिए वेट करते हैं फिर देख लेते हैं। अब क्या करना है, अगर आपके पास दूसरा रैम पड़ा हुआ है सेम, देख लीजिए कि DDR1 रैम लगा हुआ, DDR2 लगा, DDR3 जो भी रैम लगा हुआ उसको देख करके आप उसको दोबारा लगा सकते हैं। देखिए मेरे पास एक जो है दूसरा रैम पड़ा हुआ है ये, ठीक है DDR3 रैम है, ये DDR3 4 GB रैम है। इसको चेंज करता हूँ तो आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो पहला काम आप रैम को साफ करिए, साफ करने के बाद डिस्प्ले नहीं आता उसका रैम को चेंज करिए, उसके बाद जो है आप इसको कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम बंद कर देते हैं, ठीक है बंद मैंने कर दिया। बंद करने के बाद में जो पुराना मेरा रैम लगा हुआ DDR3 4 GB का, इसको मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये सब काम कर रहा सब आपको दिखाने के लिए, बताने और समझाने के लिए, सिखाने के लिए। तो ये देखिए रैम है, इसको मैं निकाल के अलग रख देता हूँ। दूसरा रैम लेकर मैं DDR3 4 GB का, इसको लगाता हूँ और देखता हूँ उससे डिस्प्ले आता नहीं आता है। ठीक है, पावर वहाँ से बंद करते हुए अब चेक करिएगा, इसको हमने यहाँ से कर दिया है और फिर यहाँ से इसको दोबारा लगाते हैं। और देखिए इसका जो घाट होगा ना नोट करिएगा, ये जो कटमार्क होता है कटमार्क को देख कर लगाइएगा, वरना रैम जल जाएगा। और इस ये DDR3 रैम लगेगा इसके अंदर तो DDR3 लगेगा, DDR4 लगाना चाहेंगे नहीं लग पाएगा, DDR2 लगेगा नहीं, DDR1 लगेगा नहीं, और लैपटॉप वाला रैम नहीं लगेगा, तो ये कंप्यूटर का रैम लगेगा। देखिए सेम जो साइज का रैम था मैंने देख लिया था पहले, वो लेकर आया हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, इसको लगाते हैं हम, और देखिए इससे डिस्प्ले आता नहीं आता है। मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकल करूँ और आपको दिखाऊँ इससे कि आप सीख सके। ठीक है दोस्तों, ये रैम लगा दिया, देखिए मैंने ये पुराना रैम मैं किनारे रख लेता हूँ, और उसके बाद दूसरी यहाँ से हम ऑन करते हैं और फिर दोबारा मैं इसको ऑन कर देता यहाँ से। ठीक है, तो देखिए ये फैन चल गया है, फैन चलने के बाद में और इसके ऊपर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, नहीं कीबोर्ड के अंदर नल्ला बटन जल रहा बुझ रहा दिख रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कंप्यूटर के अंदर जो है रैम नहीं खराब है। तो आप कंफर्म हो चुके होंगे, अब क्या करें, कंप्यूटर के अंदर रैम नहीं खराब है तो क्या खराब होगा। SMPS का काम है पावर देना, पावर दे रहा है,
मदरबोर्ड के अंदर पावर आता भी देखिए, सीपीयू फैन चल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है इस मशीन के अंदर से, मतलब इस डब्बे के अंदर से आपको जो है मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं और बंद कर क्या बताने का प्रयास करते हैं कैसे क्या करना है। तो यहाँ से आप बंद कर दीजिए, ठीक है, पुराने वाला रैम हो सके ठीक हुई, तो आगे क्या दिक्कत हम चेक करते हैं। तो अब इतने अब इस पोर्शन को जो मदरबोर्ड है, रैम है, प्रोसेसर है, एसएमपी, इसको निकाल के हम बाहर चेक करेंगे, हो सके शॉर्टिंग अगर हो तो क्या हो सकता है, और नहीं हो तो क्या दिक्कत आपको है। ठीक है, तो इसको जल्दी खोल के मैं खोलता हूँ, वीडियो को मैं पेज कर दूंगा और समझिए आप इस बात को। ठीक है, सब पावर जितने लगे डिस्कनेक्ट कर लीजिए, ये डिस्कनेक्ट बंद कर लिया, और यहाँ से पहले एसएमपी को क्योंकि बाहर हम चेक करेंगे कि दिक्कत अगर आपके सामने आती है तो मेरे आप सब्सक्राइबर है, मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो आप उसको घर पर रखकर सॉल्व कर ले, क्योंकि दुकानदार के पास जाएंगे दुकानदार आपसे मन मुताबिक पैसा लेते हैं, तब मुझे अच्छा लगे ना कि आपका पैसा फालतू व्यर्थ हो जाए। ठीक है, तो इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया है, जो भी मदरबोर्ड के कनेक्शन दिए उसको भी आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए, और वहाँ से डिस्कनेक्ट करने के बाद में इसको आप जो है ऐसे इसको एसएमपी इसको निकाल लीजिए। ठीक है, हार्ड डिस्क कनेक्टेड है इससे, हार्ड डिस्क अभी हार्ड डिस्क को नहीं छुएंगे। अभी हमारा क्या इशू है, हमारा इशू ये है कि हमारे कंप्यूटर में हमारे डेस्कटॉप मतलब मॉनिटर के अंदर डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले हमको सॉल्व करना है इसको सर, तो हमने इसको निकाल लिया, तो ये अलग एसएमपी से हमारा हो गया, इसको ध्यान रखते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, फिर जो मदरबोर्ड हमारा उसको भी हम ध्यान निकाल लेते हैं। ठीक है, बाहर ये ECS कंपनी का बोर्ड है, 110 मॉडल बोलते हैं, सिंपल निकाल लीजिएगा, जैसे निकालिएगा वैसे लगाना भी आपको, इसलिए नोटिस करिए, हम लोग का एक्सपोर्ट है इसलिए हमें दिक्कत नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये मदरबोर्ड निकाल लिया, ECS कंपनी का 110 मॉडल नंबर है, कोर i3 सिक्स जनरेशन प्रोसेसर हमने बाहर कर लिया है। देखिए ये मदरबोर्ड हो गया और ये आपका एस एम बेस हो गया, हम बाहर ही कनेक्ट करते हैं, डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए आपने रैम चेंज कर लिया, रैम को साफ कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो सीपीयू फैन है इसको निकाल लेते हैं, क्या हमारा जो सीपीयू लगा हुआ अंदर उसके अंदर हीटिंग है कि गर्म हो रहा नहीं, गर्म हो रहा कि मदरबोर्ड से दिक्कत है कि सीपीयू प्रॉब्लम है, चेक करते हैं। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है कि आप जो एसएमपीएस का फैन दिया हुआ आपके कंप्यूटर के अंदर एसएमपीएस का फैन लॉक सिस्टम हो उसको देखिए खोल लीजिए, हमारे पास स्क्रू वाला है और इस तरीके से इसको खोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसे करके जो है स्क्रू को अनस्क्रू कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि सीपीयू के अंदर जो है पावर नहीं आता, मतलब सीपीयू गर्म नहीं होता, तभी डिस्प्ले नहीं आता, इस केस में मदरबोर्ड भी खराब हो सकता है, इस केस में सीपीयू भी खराब हो सकता है। अब चेक करना है कि सीपीयू खराब हमारा है कि मदरबोर्ड खराब हमारा है। ठीक है, इसको हम जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने फैन को निकाल लिया, हाथ में ले लिया, अब बचा क्या है मेरे पास, अब बचा मेरे पास मदरबोर्ड है और इसमें देखिए जो सीपीयू लगा हुआ, पास में दिखा था, देखिए इसमें सीपीयू लगा हुआ, ये कोर i3 सिक्स जनरेशन लगा हुआ और DDR3 रैम लगा हुआ ये है, और यहाँ पे हम एसएमपीएस का जो कनेक्शन है हम चेक कर डाल लगा देते हैं। ठीक है, ये जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं, लगा दिया, फिर ये 12 वोल्ट सप्लाई भी दिया हुआ है, इसको भी चेक कर लेता हूँ, इसको भी लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको भी लगा दिया मैंने, और सीपीयू का फैन देखते हैं कि पावर ऑन आता है ऑफ आता है ना, उसका चेक करने के लिए हमें इसको फैन को लगा देते हैं। ठीक है, हमने फैन को भी लगा दिया, फैन भी लग गया, अब हम अपने इस मॉनिटर के तार को भी यहाँ लगा देते हैं डिस्प्ले चेक करने के लिए, डिस्प्ले आता नहीं आता, यहाँ दिया फंक्शन दिया हुआ, और यहाँ इसको लगा देते हैं हमें। चप्पल जरूर पहन काम करिएगा, अर्थिंग आ जाएगा, करंट मार रहे फिल्म की जोगिंदर भैया ने बताया नहीं था। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, तो चप्पल मैं पहना हुआ और बॉडी को हमेशा जो है किसी लोहे के सामान को छूकर बॉडी को डिस्चार्ज करना चाहिए, वो काम मैंने कर लिया पहले। ठीक है, अब जो है इसमें हम पावर लगाते हैं, देखिए यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे इसको हम पावर देते हैं। ठीक है, पावर दे दिया, हमें ऑन करना मदरबोर्ड को, तो सिंपल तरीके से अब यहाँ से बंद है इसको, यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं, और फिर यहाँ से हम इसको देखिए भैया पंखा चल गया, देख सकते हैं घूम रहा पंखा ये। अब आप कुछ नहीं करना है, जो सीपीयू आपका लगा हुआ ना सीपीयू उसके ऊपर उंगली रखिए कि इसमें मतलब गर्म हो रहा है कि नहीं गर्म हो रहा, अगर गर्म नहीं अगर हो रहा है तो कुछ दिक्कत है, इशू है। ठीक है, तो इसे रख रहा हूँ, इसमें हीटिंग बिल्कुल नहीं है, मतलब गर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, वेट कर रहा हूँ मैं, वरना इतने में तो हाथ जल जाता है, कुछ नहीं हो रहा है, हाथ नहीं जल रहा, इसका मतलब कि जो सीपीयू गलत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे काम, ये जो है हमारे पास सीपीयू, अगर आपके पास कोर i3 का जो लगा सीपीयू लगा सिक्स जनरेशन सेवन जनरेशन का अगर जुगाड़ व्यवस्था कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, और पहले जो है मदरबोर्ड चेक करने के पहले सीपीयू को चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास जो ऑलरेडी मैं एक सीपीयू लेकर आया हुआ हूँ, मैं दिखाता हूँ, और ये सीपीयू मेरे पास है, इसमें कोर i3 सिक्स जनरेशन लगा हुआ, मेरे पास कोर i5 का सिक्स जनरेशन है, और मैं इस सीपीयू की जगह इसको लगाऊंगा, फिर डिस्प्ले चेक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम वेट, तो मैं यहाँ से बंद कर लेते पहले इसको, बंद कर लिए और फिर इसको निकालते हैं सीपीयू को, फिर देखते हैं।
जो पुराना सीपीयू है उसको मैं निकाल लिया और ये कोर आई थ्री दिखाता हूँ, कोर आई थ्री पास दिखाता हूँ, कोर आई थ्री दिखेगा नहीं, कोर आई थ्री सिक्स जनरेशन है ये, ठीक है। और मॉडल नंबर लिखा हुआ 6100, इसको हटा के किनारे हम अब लगाता हूँ मैं कोर आई फाइव का जो मेरे पास सिक्स जनरेशन पुस्तक मुझे कहीं से मिल गया हुआ। ये आपको सब दिखाने के लिए बताने के लिए कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें खराब हो सकती हैं। अब इसको हम यहाँ रखते हैं, यहाँ हमने रख दिया और इसको ऐसे टाइट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, टाइट कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ फिर डिस्प्ले, अब यहाँ से मैं इसको पुराना रैम मेरा निकाल दिया हूँ चेक करने के लिए, इसको निकाल के यहाँ से ऑन कर लेते हैं, ऑन कर दिया, फिर दोबारा शॉर्ट करता हूँ बोर्ड को, फिर डिस्प्ले आया नहीं आया, देखिए दोबारा चेक करता हूँ, फिर चेक करता हूँ करवा सीपीयू हीटिंग इसके अंदर है, देखिए ये डिस्प्ले आ गया ECS Elite Blue, देख सकते हैं ना आप, देख सकते हैं। तो सी कंप्यूटर के अंदर जब आप रिपेयरिंग करते हैं तो सिर्फ रैम लूज होने की वजह से डिस्प्ले नहीं आता है, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी दिक्कतें होती है, उसकी दिक्कत यहाँ होता है। तो आज मैंने बता दिया आपको कि इस मशीन के अंदर जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU लगा हुआ वो खराब था, इसी वजह डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो मैं कोर आई थ्री की जगह कोर आई फाइव ले आया था सिक्स जनरेशन का, उसको लगाया हूँ, तो ये ECS का 110 मदरबोर्ड इसमें डिस्प्ले आ चुका है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसे सीखे होंगे कि कैसे क्या किया जाता है। अब जिस प्रकार से मैंने इसको खोला हुआ था उसी प्रकार से अपने कंप्यूटर पैक कर दूंगा, हार्ड डिस्क को लगाऊंगा, विंडो लोड करना विंडो लोड करूंगा और आप इससे कुछ ना कुछ सीखे होंगे। मुझे लगता है कि जिसके मन में होता होगा सिर्फ रैम को निकाल के टाइट करें डिस्प्ले आ जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों, कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो SMPS काम होता है पावर देना, पावर दिया इसने मदरबोर्ड को, मदरबोर्ड के अंदर जो है अपना सब हार्ड डिस्क को करंट देना हो गया, फैन को करंट देना, देने के बाद में इस पर डिस्प्ले आता है। तो मुझे लगता है कि अब एक बार आपके मन में डाउट होगा जो पुराना वाला रैम जो लगा हुआ ये सही है खराब है, इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है उसको चेक करें। तो एक बार हम इसको यहाँ से बंद कर दिया हमने और फिर इसको निकाल लेते हैं और फिर डिस्प्ले चेक करते हैं कि हमारा रैम भी खराब है क्या, ये रैम पुराना रैम है। एक बात अब नोटिस पहले बता दिया कि इसके अंदर अगर DDR3 रैम लगा हुआ तो DDR3 भी रैम लगेगा, दूसरा चाहेंगे DDR2 रैम लग जाए, DDR1 रैम जाए वो लगेगा नहीं, तो ठीक है सेम रैम मेरे पास था। ये सब मैं पहले से व्यवस्था कर रखा था आप लोगों को दिखाने के लिए, आपको प्रैक्टिकल में ध्यान देने के लिए। रैम लगा दिया मैं और फिर चेक करते हैं डिस्प्ले आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ से ऑन कर लेते हैं, शॉर्ट करना पड़ता है इससे, ठीक है फैन लेके चल रहा है, फैन चल रहा है और हम वेट कर रहे हैं कि डिस्प्ले आ जाए भैया, डिस्प्ले आ जाए कोई रिस्पॉन्स नहीं, इसका मतलब कि हमारा CPU भी खराब है और हमारा जो है रैम भी खराब है। फिर बंद करते हैं दोबारा, जो हम रैम की जुगाड़ कर रखे थे पहले से उसको लगाते हैं और देखिए इसको इसको लगाता हूँ मैं रैम को, फिर ऑन करते हैं, ठीक है यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं और फिर दोबारा शॉर्ट करते हैं इससे हम, अब चेक करते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है, देखिए स्क्रीन के ऊपर ECS Elite Group Dell BIOS और लिख रहा है, मतलब ये हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले आ गया। तो ठीक है, तो मैं देखता हूँ कभी कभी 1000 कंप्यूटर में कंपेयर करूँ तो उसमें कभी कभी CPU खराब निकलता है, तो आज मेरे साथ प्रॉब्लम ही पहली बार आया था। तो पहली बार क्या बहुत प्रॉब्लम आता है, लेकिन इस तरह की कोर आई थ्री के अंदर पहली प्रॉब्लम आया था। तो ये है कोर आई थ्री सिक्स जनरेशन और 110 मदरबोर्ड उसके अंदर ही खराब था, हम इसको चेंज कर दिया, हमारा डिस्प्ले आ चुका है। अब इसी को पूरे कंप्यूटर को पैक करेंगे, जैसे खुला हुआ तो उसे विंडो लोड करेंगे और हम मतलब कस्टमर को दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद अगर आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट उसमें कमेंट करिए, बताया के लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं और कंप्यूटर की पूरी जानकारी आपको देना चाहते हैं। मैं चाहता नहीं हूँ कि आपका पैसा खर्च हो। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, सुन लेंगे किसी एपिसोड में टॉपिक साथ में, तब तक आप लोग को